मैं ना सोशल मीडिया का यूज़ करके इंस्टाग्राम का यूज़ करके 100 दिनों के लख रुपये बनाया से 2019 के। 100 दिन तो नहीं लगे होने, 100 तो थोड़े ज़्यादा लगे होने, बट टाइटल 100 लिखा वधिया लगता ता करके चलो 100 लगा लो। तो तुहानू दसदा भी किवें बनाए सीगे, की किया, की सीखिया, तो तुसी जे मतलब बिना कोई इनवैसटमेंट के बिना एक भी पैसा लगाए सोशल मीडिया तो पैसा बनाना चाहते हो तो तुसी किवें बना सकते हो। तो हुण तो आप डेयरी फार्म चला रहे हैं, ठीक है, मैं डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करदा, तो इनू ग्रो करना, खेतीबाड़ी ग्रो करनी आ, तो सारा फोकस मेरा इधर आ, तो डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड यूट्यूब आ, मतलब भी थोड़ी कोई हैल्प हो सके, थोड़ा कुछ आइडियाज़ मिल सकन, वो करके यूट्यूब चैनल बनाया, इंस्टाग्राम चैनल बनाया। तो थोड़ा कहानी दसदा, 2014 च मेरी लॉ की डिग्री स्टार्ट हुई सी, 2019 च खत्म हुई सी, 2019 ना मैं जुडिशरी की कोचिंग लै रहा, तो कोचिंग ते बैठा बैठा मैं ना वैसे फोन देख रहा, तो उत्थे कोट सीगा भी जिंदगी ना थोतो घट होशियार, घट मतलब भी नॉलेजबल बंदे थोतो बहुत ज़्यादा कमा रहे ने, बहुत वधिया कर रहे ने जिंदगी, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने आप पर भरोसा थोड़े तो ज़्यादा आ। तुसी अपने आप से शक करी जाने यार भी मैंने जोगा हैगा, मैं कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा, तो वो एक्शन लै जाते हैं, तो जिहड़ा बंदा एक्शन लै गया, जिहड़े बंदे ने स्टार्ट करता ना वो जित गया, ठीक है ना। तुसी जिन्ने मर्जी होशियार होवो, आइनस्टाइन जिन्ने होशियार होवो, आइडियाज़ दिमाग च लैके बैठे रहोगे, पर जो कदे उन्हां नूं एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो जिंदगी कुछ नहीं कर सकते हैगे। तो एग्जीक्यूशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन आइडियाज़, ठीक है। आइडिया हर बंदे नूं आंदे ने, तुसी जे एग्जीक्यूट करोगे ना एक गंदे आइडिया नूं एग्जीक्यूट करोगे, फिर दूजे नूं, तीजे नूं, चौथे नूं 10 आइडिया फेल होणगे ना 11वां चलूगा, पर वह 11 तक पहुँचने वास्ते तुहानूं शुरुआत करनी पैणी आ। तो मैनू ना फिटनेस का शौक सीगा, ठीक है। फिटनेस का शौक किवें पिया, मैं छोटे होंदे बहुत मोटा सीगा, तो फिर मैं घर एक्सरसाइज वगैरह करके थोड़ा पतला होया, +1 +2 जी पतला होया सीगा, 10th तक मैं मोटा सीगा मतलब भी लाइफ च अपने, तो +1 +2 जी थोड़ा पतला हो गया। फिर यूनिवर्सिटी च दूजे एक साल च जिम लग गया, जिम जाके वधिया फिजीक जी बना ली, एब्स उब्स कढ़ ले, होर कढ़ ले, तो मैं ना फास्ट लर्नर हाँ, मैंने जिहड़ी चीज़ ना प्यार होवे ना मैं बहुत छेती सीखदा उस चीज़ बारे। तो फिटनेस बारे पढ़ना, रिसर्च करनी, सब कुछ करना, तो थोड़ी नॉलेज इकट्ठी कर ली। जिम च सारे लोग मतलब भी मैंने पूछण लग गए, जिवें जिहड़ा फ्रेंड सर्कल सीगा होर सीगा भी की डाइट लईए होर लईए, तो जिम च अपने जिहड़ा सर्कल सीगा उन्हां दी थोड़ी वधिया फिजीक बनाती, वेट लूज करन च हैल्प करता, डाइट डूइट दसती, होर करता, तो पढ़िया, नॉलेज लीती, तो होर किया। फिर मैं इंस्टाग्राम से देखता हूँ सके भी लोग जिन्हों कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ नॉलेज आ, वो मतलब इंस्टाग्राम से ट्रेनिंग दे के ऑनलाइन फिटनेस से, तो हज़ारां लख रुपये कमा रहे हैं। मैं सोचा यार भी ये कर रहे हैं, ठीक है, मैनू इन्ना कु आता ही है, जिन्ना को पोस्ट कर रहे थे मैंने भी पता सके भी बेसिक फंडामेंटल से ने, ये डाइट होनी चाहिए, ये प्रोटीन होना चाहिए, ये आए होना चाहिए, बस मैं एक्शन नहीं लै रहा, ठीक है। तो मेरा जिम्मे स्टार्टिंग तो माइंड बिजनेस वाल सीगा, तो उत्थे जुडिशरी की कोचिंग बैठा भी मैं आही सोची जाता सीगा भी ओके मैं भी दे सकदा, मैं भी कमा सकदा, फिर आंदा सी माइंड च मैं कर क्यों नहीं रहा, मैं कमा क्यों नहीं रहा। भी आपां ना दूजे बंदे देख के आए बहुत सौखा कह दिंदे भी यार लै ये किड्डी की चीज़ है मैं भी कर लूँगा, पर वो करना बहुत औखा होंदा, ठीक है। तो जिहड़ा बंदा कर लैंदा वो मतलब भी बना जांदा बिजनेस, तो मैं कुछ नहीं किया, घर गया उत्थे कोचिंग तो बैठा बैठा जाके अपना एक पेज स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पर फिटनेस का, उत्थे अपनी फोटो पाई, उत्थे एक कैप्शन पाया भी मैं आया फिटनेस मतलब भी छोटे होंदे मोटा सीगा पतला होया, नॉलेज इकट्ठी की, तो हुण मैं थोड़ी हैल्प करना चाहुंदा, तो मैं थोड़ा हैल्प करना चाहुंदा फिट होण च, ठीक है। तो दो तीन पोस्टां पाइया, वीडियोज़ पाइया, तो मैं लगता जब पेज स्टार्ट किया से दूजे तीजे दिन क्लाइंट आ गया, क्लाइंट आ गया मेरे कोई फ्रेंड सके, तो उन्होंने कोई ब्रदर सेगा, उन्होंने वेट लूज करना सगा, वो मेरे को आए, तो मैं चार्ज किया 1 महीने का 3000 रुपया ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का, मतलब भी मैं उन्होंने सिर्फ डाइट लिख के भेजने से भी डाइट की लैनी, एक्सरसाइज की करनी आ, तो कोई मिलना नहीं, कोई उन्होंने पर्सनली ट्रेन नहीं करना, सिर्फ नॉलेज अपनी उन्होंने देनी है, तो वह नॉलेज मैंने 3000 रुपये मिले महीने का, वो मेरी टाइप ऑफ पहली कमाई सी, ठीक है। ये तो पहला मैं स्टॉक मार्केट बारे किया होया, बट उस पैसा मैं ला के गवाया सीगा, तो उधर कुछ मतलब भी खट्टिया नहीं, प्रॉफिट नहीं सीगा कुछ, ये तुसी ला लो मेरा पहला प्रॉफिट सीगा 3000 रुपया एक क्लाइंट तो। ते मैं पहले 3000 नाल दस्सा की किया, मैं एक होर क्लाइंट आ गया जब 6000 रुपया हो गया, मैं ऑनलाइन गया उत्थे, मतलब भी एक डिग्री होंदी आ, सर्टिफिकेशन होंदी आ फिटनेस की, तो वह सर्टिफिकेशन ना महंगी सी, आई गैस ISSA की सर्टिफिकेशन से, मैंने हुण नाम नहीं याद आ रहा है कि सर्टिफिकेशन सी, उत्थे एनरोल किया, 50,000 की सी, 50,000 की सर्टिफिकेशन सी, तो 50,000 तो, पर किश्तों करते 3000 रुपये महीने की किश्त होंगी सी, 3,500-4000 रुपये जो भी है, तो मैं किश्तों जो सर्टिफिकेशन लै ली, तो उन्होंने करन लग गया। तो इतों ये सीखने मिलता भी जब भी तुम पैसा कमाओ ना, सब तो पहला
अपनी जिहड़ी चीज़ तुहानूं पैसा कमा के दे रही है उहनूं वधिया करो, ठीक है। मैनूं मेरी नॉलेज पैसा कमा के दे रही सीगी फिटनेस बारे, मैं उहनूं इंप्रूव किया, मैं डिग्री करन दी कोशिश की, मैं सर्टिफिकेशन करन दी कोशिश की, कोशिश नहीं की वैसे किया, तो मैं वह लै ली कोर्स लै लिया, पढ़िया, होर नॉलेज वधी, होर सीखिया, होर क्लाइंट आए, होर सब कुछ किया, तो ऑलमोस्ट लाइक मतलब भी 25-30 हज़ार रुपया महीने का बन जाता सीगा, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स नवे आ जाते थे, कुछ ऑलरेडी जो एक महीना लै चुके थे दूजे महीने वास्ते भी पैसे दे देंगे, फिर तीजे महीने वास्ते भी दे देंगे, ऐं करते करते 3-4 महीने मैंने लगता 3 महीने 100 देना 1 लाख रुपया हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फिर बट उदों बचपना हुंदा, ठीक है, बचपने च इन्ना कुछ पता नहीं हुंदा हैगा, जे मैं उहदे ते जोर दिंदा सब कुछ करदा तो मैं उहनूं भी लखां ते लैके जा सकदा सीगा, बट आए सीगा भी 20-25 हज़ार रुपये महीने का बन रहा सीगा, उह तो उत्ते हले जा नहीं रहा सीगा। फिर हौली हौली मैनूं आए सीगा यार मैं 1 करोड़ रुपया बनाना तो मेरे तो बन नहीं रहा हैगा, तो फिर मैं देखण लग गया भी यूट्यूब च बहुत पैसा, यूट्यूब का फिटनेस चैनल बना लिया, उत्थे वीडियोज़ पाउण लग गया, हौली हौली इंस्टाग्राम ते ध्यान घटाता, तो जिधरों कमाई आ रही सी उह चीज़ छड्डती, लाइक क्योंकि ध्यान घटाता वीडियोज़ पानिया घट करती होर करती, क्लाइंट घट गए, क्लाइंट घट गए तो मेरा होर ध्यान घट गया भी इतों तो पैसा आ ही नहीं रहा है, वो करते कराते मैं उन्होंने छड्ड ही दिता। हूँ जब मैं पिंड आया सीगा, पिंड आके भी कदे कदे मेरा जी करता सीगा, फिट जहा हो जाता सी, होर हुंदा सी कॉन्फिडेंस, क्योंकि जे तुसी आप फिट हो ना तो ही थोड़े कॉन्फिडेंस होगा भी तुसी दूजे बंदे नूं कोई सलाह दे सको, ठीक है। जे तुसी आप फिट नहीं है मेरे च भावें लख नॉलेज होवे पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होगा भी मैं किसी दूजे बंदे नूं फिट कर सकता, क्योंकि यार मैं आप तो मोटा होया फिरदा, ठीक है। तो जब मैं पिंड फिट हो जाता सीगा मैं थोड़ा चा चढ़ता सीगा, मैं 2-4 क्लाइंट होर चक लैंदा सीगा, फिर बैठा बैठा घर महीने का 15-20 हज़ार रुपये बना जाता सीगा। तो गल यही आ भी सोशल मीडिया से पैसा बनाना बहुत ईजी आ, ठीक है, पर थोनू कोई नॉलेज होनी चाहिए आ, ठीक है। मतलब भी नॉलेज ऐसी चीज़ की होनी चाहिए है जिड़ी चीज़ की लोगों को लोड़ आ, जिड़ी कोई बंदे प्रॉब्लम आ वो प्रॉब्लम तुसी सॉल्व कर सकते हो अपनी नॉलेज के नाल, किसी का वेट बहुत ज़्यादा आ, ठीक है, कोई पतला होना चाहता फिट नहीं है, हुण थोड़े को नॉलेज हैगी भी वेट किवें घट करना, फिट किवें होना, होर किवें करना, तो तुसी उन्हूं अपनी नॉलेज दे दोगे तो बदले च वो तो पैसे लै लोगे, मतलब तुसी उहदी प्रॉब्लम सॉल्व करती वो फिट हो गया उन्हें वेट घटाता तो बदले च तुसी पैसे लै ले। तो मेरे क्लाइंट्स का मैं बहुत मतलब भी वधिया ट्रांसफॉर्मेशन दित्तिया ने, ठीक है। एक कुड़ी होंदी सीगी उहदा मतलब भी क्लाइंट सीगी मेरी फ्रेंड सीगी क्लासमेट सीगी, तो उहदा वेट नहीं घटदा हुंदा सी, कदे नहीं घटिया सीगा, लाइक जद मेरे नाल जॉइन किया सीगा फिटनेस च तो 3 महीने शायद 10 किलो वेट घट गया सीगा, ठीक है। तो होर भी काफ़ी क्लाइंट सीगे, किसी का 5 किलो, किसी का 6 किलो, आए मतलब भी काफ़ी वधिया लगता सी भी किसी की हैल्प कर रहे, बदले च पैसे भी कमा रहे सीगे। तो कोई ऐसी चीज़ की नॉलेज चको, जे थोड़े को बिजनेस करने वास्ते पैसे नहीं है ना थोड़ू मतलब लोड़ ही नहीं हैगी पैसों की, ठीक है। तुम ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हो, तुम सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ कर सकते हो, पैसे बना सकते हो, जिमें कोई भी स्किल जिस थोड़ा इंट्रस्ट आ, जिमें फिटनेस हो गया, ठीक है, वैबसाइट बिल्डिंग कोडिंग हो गया भी थोड़ा कोडिंग आती है, तुम वैबसाइट बना सकते हो, तुम क्लाइंट चको वैबसाइट बना के दो 15-20 हज़ार रुपये मिलता आराम वो कर सकते हो, या थोनों वीडियो एडिटिंग आती है जिमें अजक यूट्यूब का बहुत ज़माना चल रहा भी तुम मैसेज कर सकते हो लोगों को भी आए मैं वीडियो एडिटिंग करना मैं थोड़ी बना के दे सकता इन्ने मैं चार्ज करूँगा, ठीक है। उस तो बाद थंबनेल बना सकते हो यूट्यूब वीडियोज़ वास्ते, उस तो बाद फोटोशॉप कर सकते हो, उस तो बाद लखा चीज़ा जिहड़ी भी चीज़ बारे थोड़ी नॉलेज हैगी थोड़ी बहुत इंट्रस्ट हैगा पढ़ो वे बारे रिसर्च करो वे बारे नॉलेज इकट्ठी करो तो कम स्टार्ट कर दो, तो जब पैसे आने लगे पैसे अड़ाने नहीं है अपने शौक नहीं पूरे कर लग जाना है वो नॉलेज में बधाओ, जेडे पेड कोर्सिज आते हैं पेड चीज़ा होंदिया ने पेड सर्टिफिकेशन होंगी वो करो, जिमें नॉलेज बधूगी उमें थोड़े चार्जिस बदते चले जाएंगे थोड़े सर्विस के, थोड़ी नॉलेज बद गई जो तुम 15 हज़ार रुपये महीने तक कमा रहे हो तुम हूँ 25-30 चल जाओगे, होर नॉलेज बधाओगे तुम 40-50 चल जाओगे, करते कराते घर बैठे सिर्फ इंस्टाग्राम पेज तो थोड़ा कोई भी पेज है ना थोड़ा वैबसाइट बनाने आती है इंस्टाग्राम से रील्स बनाओ, ठीक है, दसो भी मैं वैबसाइट किमें बना, फ्री जिनी इनफॉर्मेशन दे सकते हो दे दो, क्योंकि फ्री की इनफॉर्मेशन देने नाल तुसी दिखाओगे भी थोड़ी अथॉरिटी की आ, ठीक है, भी थोनू आंदा किन्ना का। तो एक गल याद रखियो कई ना लोग कहें यार मैं फ्री च सारा कुछ क्यों दसा भी फिर लोग कि मेरे तो पेड कोर्सेस क्यों लैणगे, दसो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, लोग थो तो पेड कोर्सेस फिर भी लैणगे पेड सर्विसिज फिर भी लैणगे जो फ्री तुसी सब कुछ दे दोगे ना, क्योंकि फ्री की चीज़ किसी नूं वधिया नहीं लगती, कोई इन्ना ध्यान सुनता नहीं है। जे मैं आही चीज़ जो मैं थोड़ा वीडियो दस रहा 1000 रुपये लैके दसदा ना तुम हूँ कॉपी पेन लैके बैठे होंगे नोट्स बना रहे होंगे भी ओके आए करना बट जस्ट बिकॉज फ्री चाहिए
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਲਗਾਤਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਚੱਕੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਜ ਬਣਾਓ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗੋ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਲਡ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਕੋਲਡ ਮੈਸੇਜਸ ਕਰੋ ਵੀ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਡਿਟ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੰਬਨੇਲ ਐਡਿਟ ਕਰਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੂਗਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੇਟ ਘਟਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਬੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਛੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬਚਪਨਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ, 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ 2023 ਆ, 4 ਸਾਲ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਚੋਰਟੀ ਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਟਨੈਸ 'ਚ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਲੈ ਆਊਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੌਲੇਜ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਚੱਕੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਕਲਾਇੰਟ ਚੱਕੋ, ਪੈਸੇ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਰ ਵਧਾਓ, ਹੋਰ ਕਲਾਇੰਟ ਚੱਕੋ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਬਸ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਾਣੀ ਵੈਸੇ ਰੀਅਲ ਹੀ ਆ। ਚਾਂ ਚਲੋ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।